प्रकाशमणि। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी, उनका नाम लेते ही जो नज़र के समक्ष एक मूर्ति उपस्थित होती है, उनका वो निश्चल प्यार, उनकी वो दिल की निर्मल भावनाएं और दादी की जो अपनेपन की भावना थी, वो सचमुच हमारे सामने एक दृश्य के रूप में उपस्थित हो जाती हैं। मुझे याद है बचपन से हम मधुबन में बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे। जब छोटे थे तब दादियों से इतना हमारा प्यार था और विशेष प्रकाशमणि दादी जी से हमारा दिल का प्यार था। दादी इतना प्यार से, इतना स्नेह से, इतना सम्मान से हमें बचपन में प्यार देती थी कि मेरा कोई भी वैकेशन मैंने बचपन से लेकर कॉलेज काल तक कभी लौकिक में व्यतीत नहीं किया। बस कब वैकेशन पड़े और कब हम दादी जी के साथ उस मधुबन के आंगन में, उनके निर्मल प्यार में, उनकी निर्मल वाणी में बहते चले, यही एक अंदर में आकर्षण बना रहता था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्र भी बढ़ती गई और जब मेरे जीवन में एक डिसीज़न लेने का समय आया कि मुझे अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करना है, तब दादी जी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि दादी मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है। तो दादी ने पूछा कि मम्मी पापा की परमिशन है, क्योंकि दादी जी पापा को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो सारा एजुकेशन विंग का कारोबार संभालते थे। तो मैंने कहा वो तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, उनकी ये भावना है कि घर में रहो, सेवा करो, नौकरी करो और बाबा के सहयोगी बनकर के रहो, पर दादी मैं पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा अब दादी की जिम्मेवारी है तुम्हारे पापा को कन्विंस करना। और फिर दादी ने पापा से मांग करके मुझे अपने पास रखा और वो 3 महीने का समय था जो मैं पूरा ही मधुबन में रही। और उस 3 महीने के पीरियड में दादी ने मुझे मधुबन में ऑलराउंडर ट्रेनिंग दे दी। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में मुझे क्या सेवा संभालनी है। दादी मुझे अपने साथ सारे मधुबन के अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाती थी और एक एक डिपार्टमेंट में क्या चलता है वो मुझे अंगुली पकड़ करके बताती थी। हर एक मधुबन वालों से दादी इतना प्यार से मिलती थी, इतना सम्मान से उनसे बात करती थी और मैं देखती थी कि एक एक मधुबन वाले दादी को अपनी माँ के समान प्यार करते थे। तो मुझे वो व्यक्तित्व इतना अंदर में आकर्षित करता था कि बस माँ हो तो ऐसी। और वो 3 महीने के पीरियड में दादी ने मुझे भंडारे का काम सिखाया, ऑफिस का काम सिखाया। वो किसी न किसी निमित्त आत्माओं के साथ मुझे छोड़ देती थी और बोलती थी कि इनको ट्रेनिंग दो। मुझे म्यूज़ियम भेज देती थी, वहाँ समझाने की सेवा पर भी मैं अपना समय देती थी। तो जैसे हर प्रकार से एक ऑलराउंडर ट्रेनिंग क्या होती है एक आदर्श टीचर के लिए, वो दादी ने मुझे 3 महीने के पीरियड में सिखाया। और फिर जब ज़रूरत पड़ी सेवा के लिए भेजने की, तो दादी ने मुझे सरला दीदी जी के पास अहमदाबाद में भेजा। और वो दिन और आज तक दादी ने मुझे भेजा है, दादी ने मेरे पर विश्वास रखा है, तो मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना है। बहुत सारी बातें आई लेकिन एक दादी के विश्वास को मुझे निभाना है। उस भाव से इस अहमदाबाद के बेहद स्थान पर रहने के लिए जब आई, तब से लेकर आज तक एक रस रही। मुझे एक एक दादी की ट्रेनिंग इस सुख शांति भवन के बेहद कारोबार में, गुजरात जोन के कारोबार में वो सारी बातें काम आई। मुझे याद है एक बार दादी जी कॉटेज में बैठे थे, एक भाई उनके सामने आया, बहुत सारी उसकी
बहुत बड़ी उसने गलती की थी। दादी ने उस आत्मा को प्यार से बुलाया और उसकी बात उसको ध्यान में दी, तो वो भाई बहुत गुस्सा हो गया दादी को ऐसे वैसे बोलने लगा। अब वो जब दादी को बोल रहा था तो मेरे से सहन नहीं होता था कि इतनी बड़ी हस्ती को ये भाई कैसे बात कर रहा है, लेकिन दादी के चेहरे की एक भी सिकल परिवर्तित नहीं हुई और लास्ट में वो भाई शांत हो गया। दादी ने सिर्फ इतना बोला, 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर के आओ, फिर दादी आपसे बात करती हैं। और वो जब वो 2 मिनट बाबा के कमरे में जाकर के आया तो शांत हो गया और दादी ने उसको बहुत प्यार से समझाकर उसकी गलती को एहसास कराया और इतनी पावरफुल दृष्टि दी, और उस पावरफुल दृष्टि से वो आत्मा इतनी नतमस्तक हो गई, उसके आँखों से आंसू निकलने लगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्षमा की देवी इतनी बड़ी गलती को भी कैसे उस आत्मा को योग बल से उसकी गलती का उसको एहसास करा करके उसको क्षमा भी दे दी, उसमें रहम की भावना से उस आत्मा को गलती का एहसास कराने के बाद उसमें परिवर्तन करने की एक शक्ति भी भर दी। तो वो चीज़ मुझे छू गई कि ये महान आत्माओं का काम है। ऐसे एक बार अहमदाबाद के कारोबार में कुछ ऐसी बात हो गई तो दादी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम्हारे से ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। अब एक्चुअली वो भूल मेरे से नहीं हुई थी, मेरे सीनियर से कहीं से हो गई थी, लेकिन जब दादी ने कहा तो मैंने उनकी बात को स्वीकार कर दिया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आधे घंटे के बाद दादी का दोबारा फ़ोन आया और दादी मुझे कहती है कि नेहा, मैं तुमको सॉरी करती हूँ, मुझे पता है तुमने गलती नहीं की है, लेकिन जो आत्माएं मेरे सामने बैठी थी मैं उनको तो कुछ नहीं बोल सकती है ना, वो बड़े हैं, उनको सिखाने के लिए मुझे तुम्हें बताना पड़ा। मैंने कहा, दादी आप मुझे क्षमा नहीं कह सकती, सॉरी नहीं कह सकती हो, आप मेरे से बड़े हो, मुझे कुछ भी बोल सकते हो। और मुझे ये बात एहसास हुआ कि दादी ने जिस समय बोला तो मुझे एक क्षण भी संकल्प में नहीं आया था कि दादी मुझे कोई बुरा भला बोल रही है, ये संकल्प मात्र नहीं आया था, क्योंकि दादी का भाव मुझे कहने का नहीं था, वो किसी और को सिखाना चाहते थे लेकिन माध्यम मुझे बना रहे थे। तो मुझे ये बात सीखने को मिली कि कैसे अपनी बात को सामने वाले को कन्विंस भी कर सकते हैं, उनको सिखा भी सकते हैं दूसरों का आधार लेकर के। तो ये बात मेरे जीवन में एक सीखने की बात बन गई। फिर जब ज्ञान सरोवर का कारोबार शुरू हुआ, मैं अहमदाबाद में बाबा की सेवा संभाल रही थी, तो उस समय दादी जी का एक बार फ़ोन आया और दादी जी ने कहा कि नेहा, हम ज्ञान सरोवर का कारोबार शुरू कर रहे हैं और अहमदाबाद से तुम्हें सारी ज्ञान सरोवर की कंस्ट्रक्शन की खरीदारी का कारोबार सौंप रहे हैं, रमेश भाई तुम्हें 2-3 बैंक अकाउंट्स खोलने की डिटेल्स भेजेंगे और उसमें तुम्हारा नाम भी रहेगा और सारा कारोबार तुम्हें संभालना है। मुझे वंडर लगा कि ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन काम कोई छोटा काम तो नहीं था, लेकिन साथ में ये भी बुद्धि में आया कि दादी ने मुझ पर विश्वास रखा है, वो चाहती हैं कि मैं इस कारोबार को संभालूं, तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुरंत दादी को बोला, जी दादी आप जैसे कहो, और दादी ने कहा और मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। मैंने आज उस दिन तक मैंने कोई बैंक देखी नहीं थी, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट्स थी, मुझे अकाउंट्स की कोई समझ नहीं थी, लेकिन दादी ने कहा सो बाबा ने कहा। उस बात को बुद्धि में रखते हुए जैसे जैसे बातें सामने आती गई, सीखती गई, औरों का आधार लेती गई और कारोबार को आगे बढ़ाती गई। और मैंने महसूस किया कि वो 2 साल हमने 18-18 घंटे काम किया ज्ञान सरोवर के कंस्ट्रक्शन पर एक दिन भी वो थकान की महसूसता नहीं आई। और 2 साल के बाद एक बार दिवाली का मौका था, दादी हमारे पास ऐसे ही सुख शांति भवन में बाईपास हो रहे थे, तो उस समय दादी ने सामने से मुझे बोला कि नेहा मेरे साथ मधुबन चलेगी। मैंने कहा जी दादी जैसे आप कहो।
और दादी मुझे अपने साथ मधुबन ले गई। और उस समय हर जगह दिवाली सेलिब्रेट करते थे, संगम भवन में, हॉस्पिटल में, पांडव भवन में, ज्ञान सरोवर में, तो सब जगह ये दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा था। तो दादी मुझे अपने साथ सब जगह पर ले गई और वो 5 दिन दादी ने मुझे ऐसे सुख दिया, ऐसी मेरे में शक्ति भरी कि जैसे 2 साल की वो मेहनत की थी, वो थकान एक माइंड पर थी, वो सेकंड में रिलीज हो गई। तो ऐसी हमारी दादी थी कि उनको ध्यान में रहता था कि किसी को हमने सेवा के निमित्त बनाया है तो उसको हल्का करना, उसको सुख देना, उसका ध्यान रखना, ये हमेशा उनकी बुद्धि में रहता था। एक बार मैं मधुबन में गई थी, थोड़ा आपसी संबंधों में बहुत सारा मन पर एक बोझ था। दादी से मिलती थी तो दादी पहला शब्द पूछती थी कि ठीक है नेहा, कैसे हो? तो उस समय दादी ने पूछा नेहा ठीक हो, तो मैं दादी को ठीक से जवाब नहीं दे पा रही। दादी ने दूसरी बार पूछा तो मैं जवाब नहीं दे पाई, मेरे आँख से सिर्फ एक आंसू निकल आया। तो दादी ने बोला क्या बात है, दादी को तो तुम बता सकती हो ना। फिर दादी को मैंने सारी बात बताई तो दादी ने मुझे ये कहा कि दादी की बात तो तुम मानोगी ना। मैंने कहा जी दादी, आपकी बात सर आंखों पर। तो दादी ने कहा आज से दादी तुम्हें कहती हैं कि जिन आत्माओं के साथ तुम्हारे संबंधों में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तुम्हें मौन व्रत धारण नहीं करना है, तुम्हें उनसे बोलना बंद नहीं करना है, भल वो कुछ भी करे, वो बड़े हैं, निमित्त हैं, उनके सामने जाना है, उनके साथ बोलना है, वो जवाब दे ना दे, तुम्हें अपना काम करते रहना है। और जब तुम 2-4 बार इस प्रकार से करोगी ना, तो सामने वाली आत्माएं भी नॉर्मल हो जाएंगी, फिर तुम्हारे मन पर इस प्रकार से बोझ नहीं रहेगा, आपस में आप लोग हल्के होकर के सेवा कर पाएंगे। और दादी की बात को मानते हुए मैंने उसको प्रैक्टिकल में किया। कुछ भी होता था किसी के भी साथ, मैं उनके सामने जाती थी, बोलती थी, बताती थी, लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करती थी। और जब दादी की इस बात को मैंने अंडरलाइन किया तो मैंने समझा कि थोड़े समय में जिन जिन आत्माओं के साथ मेरा ऊपर नीचे होता था, टकराव होता था, हमारे आपसी संबंध स्मूथ होते गए। तो संबंधों में भी किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग से चलना है, ये बात भी दादी ने मुझे सिखाई। दादी हमेशा कहती थी कि मैं बड़ों को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बड़ी आत्माएं, निमित्त आत्माएं, भगवान ने उनको निमित्त बनाया है ना, मैं उनको नहीं कह सकती हूँ, लेकिन तुम तो छोटे हो ना, छोटे अगर समझ से चलोगे, अंडरस्टैंडिंग से चलोगे, तो आपस में कभी भी तुम्हारे संबंध खराब नहीं होंगे। तो आज तक दादी की वो बातें बुद्धि में हैं, बरकरार है, और मैं इतनी भाग्यशाली रही हूँ कि जन्म से लेकर के दादी ने शरीर छोड़ा तब तक दादी के सानिध्य का लाभ मुझे बहुत मिला। दादी ने इतना प्यार, पालना और शक्ति भरी है आत्मा में कि आज तक कभी कुछ भी होता है तो बुद्धि में रहता है कि दादी मेरे सामने होती तो क्या कहती, दादी मुझे अगर ये बात होती तो कैसे सिखाती। तो जब दादी नज़र के समक्ष आती है ना, तो हर बात हल्की हो जाती है, आसान हो जाती है और सहज हो जाती है। तो दादी प्रकाशमणि जी का मास अगस्त मास है, मैं दिल से दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दादी जी के प्रति अपनी उच्च भावनाएं प्रदर्शित करती हूँ। ओम शांति। प्रकाशमणि।